मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग आज शुरू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में होगा। हम लोग पूरा प्रोग्रामिंग देखेंगे हिंदी में। पाइथन बहुत ही पॉपुलर हो चुका है अभी के समय में, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। हम लोग इसके बारे में शुरू से जानेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग इसका कुछ फीचर्स जानेंगे, ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ, किसने इसका खोज किया, इसको बनाया किसने, और इसके फीचर्स भी आगे देखेंगे हम लोग। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहने का मतलब है कि इसमें भी स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखा हो, जैसे सी या सी प्लस प्लस भी अगर आपने सीखा हो, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कंडीशंस लगते हैं, लूप लगते हैं। तो ये सब में फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप या इफ कंडीशन, इफ एल्स या स्विच, कुछ भी हो, उसमें आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ब्रेसेस के अंदर कुछ उसके फंक्शंस, आर्गुमेंट्स, कोडिंग्स लिखते हैं। तो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप इस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको इसके लिए किसी कंपनी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसे बनाया था ह्यूडो वान रोसम में 1990s के शुरुआती में, 1994 में लगभग इन्होंने पहला वर्जन बना दिया था, और अभी यहाँ पे 3.7 वर्जन अभी आ चुका है जब का ये वीडियो बनाया गया है। इन्होंने इसका नाम पाइथन किसी स्नेक के नाम पे नहीं रखा था, स्नेक के नाम जैसा लग रहा होगा पाइथन, लेकिन वैसा है नहीं। जस्ट इनको एक सर्कस अच्छा लगता था, सर्कस प्रोग्राम एक टीवी पे आता था उस समय में, उसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसी मोंटी पाइथन जी के नाम के सम्मान में इनको इतना अच्छा लगता था ये सर्कस प्रोग्राम कि आप उन्हीं के नाम पर इन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बहुत ज़्यादा यूज होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, किसी कंपनी या किसी ऑफिस के मेन कंप्यूटर में पाइथन का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे नासा, गूगल, याहू, ये सब भी अपनी कंपनियों में पाइथन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसका खास कारण भी ये है, इसमें कुछ कोडिंग्स वगैरह ज़्यादा लिखने नहीं पड़ते, इसमें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह में सेमी कॉलन्स नहीं देने पड़ते, इसमें किसी भी तरह का डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता, इंट, कैर, फ्लोट वगैरह कुछ भी इसको बताना नहीं पड़ता। बस आप डेटा लिखिए, इंसर्ट कीजिए, काम कीजिए उस पर, प्रिंट कीजिए। ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, ऐसा इसका एक खास कारण ये भी है कि ये अधिकतर प्लेटफॉर्म्स पे इजीली काम किया जा सकता है। विंडोज़ पे, मैकिंटोश, लिनक्स, यूनिक्स, अधिकतर पे अच्छी तरह से काम कर लेता है। और ये बस इतना ही नहीं कि ये रन कर जाता है हर पे, किसी एक प्लेटफॉर्म का प्रोग्राम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रन हो जाता है, इसीलिए तो इसका फ़ायदा है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ये नहीं कि अगर आपने विंडोज़ पे कोई प्रोग्राम बनाया हो तो लिनक्स में वो दिक्कत देने वाला होगा, ऐसा इसमें नहीं है। पाइथन में अगर आपने विंडोज़ में कोई प्रोग्राम बनाया है तो वो लिनक्स पे रन होगा। ये इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह से अलग से इंटरप्रिटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली,
ये खुद में इंटरप्रेटर है, ये एग्जीक्यूट होने से पहले ही कंपाइल कर चुका होता है बाइट कोड में अपन हमारे जो डेटा होते हैं, जो फॉर्मूला हमने जो जो कुछ भी लिखा हो उसको कंपाइल कर चुका होता है ये एग्जीक्यूट करने से पहले। इसे सीखने के लिए किसी भी हार्ड दिमाग की, तेज दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कोई भी छोटा सा बच्चा जो नोविस हो, जो 5 ईयर का 6 ईयर का हो, वो भी बहुत ही आसानी से इसे सीख सकता है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा टाइप, सबसे फ़ायदा यही है कि इसमें कोई डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता, और किसी भी तरह से इसमें सेमी कॉलम्स वगैरह को भूल जाने का कोई डर नहीं है कि ये लाइन ब्रेक करेंगे उस समय सेमी कॉलम्स नहीं डालेंगे तो रन नहीं होने वाला, ऐसा भी होता है। और इसको समझना बहुत आसान है, लाइन बाय लाइन ये लगेगा एकदम जैसे हमने कुछ मैथ का कुछ प्रोग्राम बनाया हो, एकदम सिंपल लाइन, लाइन बाय लाइन देखेंगे हम लोग, आगे समझेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और उसका पाथ कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि पाइथन जो है वो हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव है नहीं, हमको इसे डाउनलोड करना होगा, और हम लोग जानते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होता है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसे डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। डेटा उसका जो पाथ होगा उसे हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह से कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।